सबसे पहले स्काउट गाइड का संचालन कर रहे विजय महादेव जी, जो बहुत अच्छा कार्य हर साल और हर प्रतिवर्ष, हम तो लगभग 2-3 साल से प्रतिवर्ष आते रहते हैं, हमको इनवाइट किया जाता है और बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे बच्चों और जो यहाँ के अभी देखिए जिला से इनको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिला दिया गया और हर साल इसी समय पे ये अपना प्रथम द्वितीय तृतीय सोपान का जो बच्चों का प्रमाण पत्र होता है बांटते हैं और करते रहें। मैं इनसे आग्रह करूँगा और बच्चों से के इसी प्रकार से इनको प्रशिक्षण करें, जिससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहे, गाँव का भविष्य उज्जवल रहे। और इसी बातों के साथ विराम, धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे विद्यालय के प्रबंधक श्री गंगेश्वर प्रसाद जी से, जो आए हुए अतिथियों का के प्रति आभार प्रकट करें। हमारे विद्यालय में श्रीमान अनिल तिवारी जी अपना अमूल्य समय दे करके हम लोग को आगे बढ़ने का बराबर प्रेरित करते रहते हैं। पाठक जी ये भी बराबर हमारे विद्यालय में आते रहते हैं। ताली बजा। अब हम आग्रह करेंगे इस सभा के अध्यक्ष महोदय से कि अध्यक्षीय संबोधन के साथ साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करें। भाई बीके महादेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले मैं आज के विशिष्ट और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित यहाँ पाठक जी, माननीय पाठक जी और आदरणीय त्रिपाठी जी का अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों का सानिध्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमको मिलता है। अगर न मिलता तो शायद मैं आपके बीच में खड़ा भी न होता और जिस मुकाम तक पहुंचने का प्रयास करता हूं वो आप लोगों को आशीर्वाद ही है कि मैं पहुंच जाता हूं। और जैसे अभी अशोक जी ने बताया, जो आपके ट्रेनर हैं, कि यह स्काउट गाइड कोई विधा नहीं है, कोई संस्था नहीं है, यह एक मुहिम है। क्या है? आंदोलन है जो पूरे दुनिया में चल रही है और आप लोग भाग्यशाली हो कि यहाँ जो भी 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से जो भी आप 50-60 बच्चे हो उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य बन रहे हो, यह गौरव की बात है। मैं आप लोगों को बता दूं, स्काउटिंग में मेरा जीवन बहुत लंबा नहीं है। 2018 से मैंने स्काउटिंग में प्रवेश किया है, आज 2024 है और वो मेरा जुनून था कि नहीं मुझे करना है। और जिस दिन आपके अंदर वो जुनून आ जाएगा आप भी कर लोगे। मैं बता दूं त्रिपाठी जी को कि एक साल हम लोगों ने कुराड़ी में भी कैंप लगाया था, नवरात्रि के दिन सेवा कार्य के लिए हमारे बच्चे गए थे हम लोगों ने। उस बार स्थिति ये थी कि कुछ लोग जो है कह रहे थे कि आप लोग कहाँ से आ गए, ये हम लोगों का जो है नुकसान करा रहे हैं लाइन लगवा कर। कुछ लोगों ने कहा, मैंने कहा देखिए अनुशासन अनुशासन होता है, लेकिन वही जो लाइन में खड़ा होकर दर्शन करने के लिए तत्पर था वो साबसी दे रहा था कि आप लोगों के चलते इतना सुंदर व्यवस्था हो गई कि धक्का मुक्की नहीं है, आराम से हम लोग लाइन से दर्शन कर ले रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 54 रेलवे स्टेशन में एक महीने पूरा जून भर हम लोगों ने पानी पिलाया था यात्रियों को, बाकायदे शेड्यूल था जिले का, ड्यूटी बार ड्यूटी लगी थी और पूरे यात्रियों को ट्रेन का दिन में केवल ट्रेन आती थी, हम लोग पानी लेके बाल्टी में लोटा लेके दौड़ते थे, पानी 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 फ्री में पानी। सारे पैसेंजर यही कहते थे कि इधर पहली बार देख रहे हैं, कम से कम आप लोग पानी दे दे रहे हैं, आखिर यहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। तो ये सेवा है। अभी जो आपने 5 लोगों को देखा जो जिले से जिनको प्रमाण पत्र मिला, तो जो जाकर जो है 54 में निर्वाचन आयोग में सेवा कार्य किया, तो इस तरह से आपको सम्मान भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और जीने की एक कला मिलेगी। स्काउटिंग एक आनंदमयी विधा है। आनंदमयी का मतलब आप इसमें बोर नहीं होंगे। आप 3 दिन बिताए लेकिन आपको पता चला नहीं 3 दिन बीत गया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के मन में होगा कि सर एक आध दिन और होता तो अच्छा रहता, ये चल रहा होगा, लेकिन समय से हम लोग बधे हुए हैं जिसको 3 दिन में ही खत्म करना पड़ता है। और अनुशासन प्रिय कार्यक्रम है,
पहले दिन लगता है कि बड़ा प्रेशर है प्रेशर है, दूसरे दिन थोड़ा सा नॉर्मल, तीसरे दिन जाते जाते आपके आंख भर आते हैं। 7 दिन की ट्रेनिंग हमने इलाहाबाद में लिया था प्रयागराज में, 4 घंटे केवल विश्राम करने का टाइम मिलता था, बाकी रात और दिन केवल शेड्यूल था काम करने का। लेकिन इतना परिश्रम के बाद भी अंतिम दिन जब समापन हुआ तो सब लोग रोने लगे इस कैंप की यादों को, कैंप के मित्रों से वो प्रगाढ़ता हो जाती है, लगाव हो जाता है, एक परिवार जैसा हो जाता है। आपके टोली में भी अलग अलग क्लास के लोग रहे होंगे, तो यह एक समूह में कार्य करने की विधा है जो सिखाती है कि हमें आपस में मिलकर कैसे काम करना है। अभी आपको ध्यान होगा एक बार हम लोगों ने यही निवारी में सड़क साफ किया था, अगर इसमें बच्चे नहीं होंगे तो निकल गए, पास आउट हो गए होंगे, तो ये वहां से लेकर यहाँ तक पूरा हम लोगों ने सफाई किया था। तो ये सेवा कार्य है, इसके लिए किसी से पूछना नहीं है, अच्छाई करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए किसी से पूछना नहीं है। सावन आता है तो शिव द्वार में सेवा का कार्य करते हैं, सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपके सेवा का प्रतिफल होता है, आपके मेहनत का प्रतिफल होता है। और हमें इस बात का गर्व है कि इस दुरूह क्षेत्र में पहली बार 20 बच्चों को तृतीय सोपान का सर्टिफिकेट मिला है। ये काम करोगे, हम लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। आपके प्रधानाचार्य, आपके विद्यालय परिवार, आपके पूरे स्टाफ, आपके मैनेजर साहब, सभी लोग आप लोगों के लिए तत्पर हैं। बहुत समय हो गया है, उस क्षेत्र में इस विद्यालय के संचालन के संस्थापक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, आज मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और हम हृदय से आपको बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ यहाँ बैठे विद्यालय के प्रबंधक श्री गंगेश्वर जी, जिन्होंने अपनी तन्मयता के साथ इस विद्यालय समय के पूर्व आकर के और विद्यालय के अवकाश के तदुपरांत तक यहाँ सेवा देते हैं, यह देखकर अति प्रसन्नता और खुशी की बात है। इन बच्चों के अंतर्निहित प्रतिभाओं का प्रकटीकरण कितना सुंदर किया गया है इन शिक्षक बंधुओं के द्वारा, और हमको लगता है कि स्काउट गाइड का यह कार्यक्रम कब से चल रहा है, लेकिन आज जो हमने देखा इससे बहुत आनंदित हुआ हूँ। निश्चित रूप से भगवान आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सफलता के ऊंचाई तक ले जाएंगे। यह भी देखा कि शिक्षक और बालक जो चुनाव मतदान के बीच में जाकर स्काउट गाइड के बैनर के नीचे काम करके आज प्रमाण पत्र लिए हैं, शायद हमने यह पहली बार देखा हूँ, इससे मुझे और भी खुशी हुई है। भगवान करे आप लोग आगे दीर्घायु पूर्ण जीवन को व्यतीत करते हुए समाज के बीच में काम करने का आपको अवसर इसी तरह मिलता रहे, और आप निश्चित रूप से आगामी कार्यक्रम में इसी तरह से अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करते रहेंगे। धन्यवाद।